हालेलुया। कितने लोग महसूस कर रहे हैं कि परमेश्वर हमारे बीच में है। हालेलुया। और उसकी उपस्थिति में प्यारों छुटकारा है। जहाँ कहीं परमेश्वर है वहाँ चंगाई ऑटोमेटिक होती है, छुटकारा ऑटोमेटिक होता है। हमें ताकत लगानी नहीं पड़ती, हमें प्रयत्न नहीं करने पड़ते कि जहाँ उजियाला होता है वहाँ अंधेरा नहीं रह सकता। आमीन। हालेलुया। आइए अपनी आँखों को बंद करें, वचन के लिए अपने आप को तैयार करें। कहिए प्रभु से, प्रभु तेरे वचनों को मैं सुनना चाहता हूँ, सुनना चाहती हूँ, आप मेरे साथ बात करिए। आपके वचन को भेज कर मुझे आत्मिक, मानसिक, शारीरिक, पारिवारिक हर एक रीति से आप चंगा करिए। कहिए प्रभु से, प्रभु मुझे आपका वचन सुनना है और मुझे अनुग्रह दीजिए कि आपके वचन को मैं स्वीकार करूँ। प्यारे खुदावन, हम प्रार्थना करते हैं, आपका वचन जिंदा है क्योंकि वो बात करता है। और जब हम आपके वचनों से आज सीखने जा रहे, समझने जा रहे, हमें यीशु मसीह के नाम से अनुग्रह दीजिए कि आपके वचनों को हम ध्यान से सीखें, क्योंकि ये हमारे मार्गदर्शक है, ये हमारे मार्गों का उजियाला है। अगर ये नहीं है तो हमारा मार्ग अंधेरों से भरा होगा। और इसलिए इस उजियाले को, इस वचन रूपी उजियाले को आज हमारे जीवनों में ऐसा प्रकाशमान होने दीजिए, ऐसा चमकाने दीजिए, चमकने दीजिए कि हमारे हर एक रास्ते जो अंधकार से भरे हैं वो यीशु मसीह के नाम से उजियाले से भर जाए, और अंधकार हमारे जीवनों से, हमारे रास्तों से दूर हो जाए। और यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम विनती करते हैं, हमारे जीवनों में, हमारे मार्गों में आपका वचन का उजियाला आज ऐसा चमके कि हम सही दिशा को ये 2023 के लिए पाए, सही दिशा में हम आगे बढ़े, गलत दिशा में, गलत राह में न जाए, जहाँ नुकसान है, जहाँ गड्ढा है, जहाँ हमारे लिए परमेश्वर आफत है, विपत्ति है, जहाँ शैतान ने कोई ट्रैप बनाकर रखा है, कोई युक्ति बनाकर रखी है, हम उस दिशा में नहीं, लेकिन जहाँ हमारे परमेश्वर ने हमारे लिए आशीष रखी है, चंगाई रखी है, छुटकारा रखा है, खुले द्वार रखे हैं, ओ यीशु मसीह के नाम में वो रास्ते हम 2023 में आगे बढ़े प्रभु। इसलिए हमें हमारे जीवनों में उजियाला देकर बताए कि कौन सा रास्ता सही है, सही चुनाव, सही रास्ते का, सही दिशा का 2023 में इस वचन के उजियाले में हम कर पाए। प्यारे खुदावद, हमारी ये दुआ प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से आप कबूल करिए। आमीन, आमीन। ओके प्यारो, कुछ बातें प्रभु ने नए साल के लिए जब दुआ कर रहा था, नया साल 2023 में हम प्रवेश करें उससे पहले, तब कुछ बातों को प्रभु ने बताया था, वो बातें हम आपके आगे रखेंगे, फिर हम आगे दुआ में जाएंगे, आपके लिए हम दुआ करेंगे। कुछ लोग नए आए होंगे, आप थोड़ा वक्त ध्यान से सुनिएगा, बैठिएगा, हम जरूर आपके लिए दुआ करेंगे। प्यारो, ये नए साल के लिए कुछ बातों को हमें ध्यान में रखना है। यूं ही हम नया साल 2023 जी नहीं सकते। हर एक साल, बोले हर एक साल मूल्यवान है, हर एक दिन मूल्यवान है, और इसलिए हमें 2023 को बिगाड़ना नहीं है। अब कितने लोग हो जो 2023 में कुछ नहीं देखना चाहते, कुछ नहीं देखना, आपको बस वैसे ही रहना है, कोई नहीं है, सबको कुछ अद्भुत ये साल में 2023 में देखना है, अद्भुत आशीषों को पाना है, बढ़ना है, जहां है वहां नहीं रहना। चाहे आपके अभ्यास में आप जहां स्टक हो गए हो, जहां रुक गए हो, आप चाहते हो कि वहां से हम आगे बढ़े। चाहे आपके फाइनेंस में, आपके आर्थिक क्षेत्रों में, जहां आपने 2022 में कुछ तकलीफों को झेलिए, आप चाहते हो कि 2023 में कुछ अच्छा मेरे जीवन में आए, मैं बरकत को पाऊँ। चाहे 2022 में आपने शारीरिक रीति से कोई बीमारियों का सामना किया होगा, बीमार रहे होंगे, आप चाहते हो कि 2023 में मैं चंगाई को पाऊँ। आपके जीवन के जो भी क्षेत्र में आप उन्नति चाहते हो 2023 में, आपको अभी से ध्यान से चलना पड़ेगा, आपको अभी से गंभीरता से आगे बढ़ना पड़ेगा,
आप और मैं आंखें बंद कर कर जिए, जैसी मर्जी हो वैसा जिए, और फिर हम आशा रखें कि 2023 हमारे लिए आशीषित हो जाए, ये संभव नहीं है। हमें बोले टारगेट के साथ जीना है, हम एक निशान बनाकर जीना है कि मुझे 2023 के अंत में यहाँ ये मुकाम पर, ये पड़ाव पर पहुँचना है। आमीन। हाथों को उठा और कहे, प्रभु मुझे अनुग्रह दीजिए 2023 में एक निशान बनाकर, एक टारगेट बनाकर, एक ध्येय बनाकर मैं आगे बढ़ूं, जैसे आया वैसे नहीं जीऊं। आमीन, हालेलुया। एक वचन को हम पढ़े, फिलिप्पियों का 3:14। फिलिप्पियों उसका 3:14। प्रभु का वचन कहता है, पौलुस कहता है, मेरे पीछे पीछे बोले, यहां पर भी आपको मिल जाएगा वचन, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। कहां दौड़ा जाता हूं? जहां शैतान दौड़ा है वहां, जहां शैतान मेरे आगे गाजर लटका दे वहां, कोई लालच दे दे वहां, वैसे जिएंगे? देखिए, शैतान हमेशा कोई गाजर आपके आगे लटका देगा, कोई ट्रैप नहीं, कोई लालच जिसमें आप फंसो और उसके ट्रैप में, उसकी कुयुक्तियों में आप फंस कर निराश हो, नुकसान भोगतो। लेकिन अगर आपका निशान क्लियर है, आपने तय कर लिया है मुझे 2023 में ये करना है, तो आप कभी भी शैतान जहां खींचता है वहां नहीं जाओगे। आमीन। आपका निशान तय होगा कि मेरा निशान शैतान की ओर नहीं है, मेरा निशान परमेश्वर की ओर है, तो आप वो दिशा में नहीं जाओगे। लेकिन उसके लिए निशान तो तय करना पड़ेगा ना। आमीन। प्रभु का दास कहता है, क्या कहता है, बोले निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। आमीन। प्रभु का दास बहुत क्लियर था, स्पष्ट था, मुझे इस दिशा में, इस निशान की ओर बढ़ना है। कई लोग अपने जीवन में क्लियर नहीं होते, मुझे कौन सी दिशा में बढ़ना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या निर्णय लेना है, क्या निर्णय नहीं लेना है, और अपने जीवन को वैसे ही जीते जाते, उनको निशान नहीं पता है कौन सा निशान मेरे लिए परमेश्वर ने रखा है, कौन सी दिशा मेरे लिए सही है, कौन सा निर्णय मेरे लिए सही है। वो यहां वहां भटकते हुए ही साल पर साल पूरे करते जाते हैं और उनका जीवन वहीं का वहीं रहता है। मसीह में आ जाने पर भी, विश्वास करने पर भी उन्नति को नहीं पाते, जबकि प्रभु यीशु ने आपको उठाने के लिए बुलाया है। आमीन। बरकत देने के लिए बुलाया है, छुटकारा देने के लिए बोला है, हर एक आपकी आशीषों के लिए यीशु ने कीमत चुकाई। अगर आपको कुछ पाना ही नहीं होता तो वो कीमत नहीं चुकाता। आपको उन्नति दिलाने के लिए हर एक दिशा से आप आशीषित हो, इसलिए यीशु स्वर्ग छोड़कर आया। अगर आपकी पड़ी नहीं होती, जैसे जीते हैं और जीते रहे, वो उसकी योजना में होता तो वो आता ही नहीं। वो स्वर्ग छोड़कर इस संसार में आया, वो गरीब बना ताकि आप धनी हो, उसने आपके सांप लिए ताकि आप अपने सांपों से छूटो, उसने अपने ऊपर आपके रोगों को लिया ताकि आप चंगे हो जाओ। हर एक आपकी आशीषों के लिए, आपकी शांति के लिए उन्होंने ताड़ना सही, फिर भी हमारे जीवन में शांति नहीं, फिर भी जीवन में शाप है, फिर भी जीवन में दुष्टात्माएं काम करती है, फिर भी जीवन में बीमारी है। प्रभु चाहता है 2023 में आप ऐसी दिशा पकड़ो, ऐसे निशान को लेकर आगे बढ़ो, ताकि वो जो आशीषों को आपके जीवन में देना चाहता है वो आशीष आप 2023 में पा लो। आमीन। जो आशीष अभी तक नहीं पाए वो आशीषों को आप पाओ, लेकिन उसके लिए पर्टिकुलर चौकस दिशा तय करनी पड़ेगी, निशान बनाना पड़ेगा। यूं ही हम बेफिक्र होकर, लापरवाह होकर, मन की इच्छा से जी नहीं सकते। हमें जानना होगा मेरा निशान क्या होना चाहिए, मेरी दिशा कौन सी होनी चाहिए, मेरा डिसीजन कौन सा होना चाहिए। प्रभु का दास बहुत क्लियर था, वो कहता है निशान की ओर दौड़ा जाता हूं। आमीन। बोले मुझे मेरा निशान, मेरी दिशा तय करनी है।
आपको आज तय करना है, मैं 2023 में क्या करूंगा, मैं 2023 में कौन से निशान की ओर बढ़ूंगा, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी, मेरी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी क्या होगी, मेरी सबसे बड़ी अग्रिमता क्या होगी। और वो निशान न सिर्फ आप बनाओगे लेकिन उस निशान के पीछे दौड़ोगे। बोले मुझे दौड़ना है, दौड़ना है, ढीले नहीं होना है। आमीन। दौड़ना है मतलब एक्टिव, ढीले नहीं होना है। कई लोग निशान तो ये मेरा गोल रहेगा 2023 में, 5 दिन दौड़ते छठवें दिन बैठ जाते हैं, ऐसा नहीं। बोलिए मुझे निशान बनाना है, उसके पीछे दौड़ना है। बोलिए ना मुझे निशान बनाना। अभी से आप ढीले हो गए, अभी तो निशान भी नहीं बनाया, दौड़ना भी शुरू नहीं किया, लेकिन ताकत नहीं दिख रही। बोलिए मुझे निशान बनाना है और मुझे वो निशान के पीछे दौड़ना है। हालेलुया, हालेलुया। आपको जो भी ये 2023 में देखना है, जो बरकत है, जो आशीष है, जो छुटकारा, जो चंगाई, जो भी आपको पाना है, उसके लिए एक रीत, एक मेथड, एक योजना प्रभु की है। उस योजना के अनुसार आपको, उस इच्छा के, प्रभु की इच्छा के अनुसार आपको निशाना बनाना होगा और उस योजना के अनुसार आगे बढ़ना पड़ेगा। आपको जो भी चाहिए 2023 में, उसके लिए आपको एक पर्टिकुलर दिशा में आगे बढ़ना है। वो दिशा कौन सी है प्यारो? मत्ती 6वां अध्याय। आपका निशान क्या होना चाहिए, आप कौन से निशान की ओर बढ़ोगे? मत्ती 6:33। आई हम मिलकर पढ़े मत्ती 6:33, पहले 31 से हम पढ़ते हैं। चलिए मत्ती 6:31। इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। बोले क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे। आपका निशान क्या होना चाहिए, क्या खाएंगे, पिएंगे, पहनेंगे? वो आपकी चिंता है, आपकी फिक्र, कैसे अच्छी जॉब, कैसे अच्छा बिजनेस, कैसे कर्जे से बाहर आओ, क्या ये बात को लेकर आपको अपना निशान बनाना है? आपको अपनी चिंता को निशान बनाकर पीछे दौड़ना है? ओ कैसे होगा, कब होगा, कैसे बाहर आओ, कैसे इस प्रश्न से बाहर आओ, किससे मिलू, किससे मदद लू, क्या ये आपका निशान रहेगा? प्रभु कहता है इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना क्या खाएंगे, पिएंगे, पहनेंगे। ये हमारा निशान नहीं है, ये हमारा गोल नहीं है, इसके पीछे हम नहीं दौड़ना चाहते। हमारी चिंताओं के पीछे, हमारी जरूरतों के पीछे आप बोलोगे तो उसके लिए तो प्रभु के पास आते, इतना कष्ट उठाते, आप 3-3 घंटे बिठा रखते तो भी बैठे रहते। हम इसीलिए आपको कहते हैं आप इतना कष्ट उठाते तो खाली हाथ ना रहो 2023 में, और इसलिए करेक्ट करना चाहते, आपको सुधारना चाहते, आपकी दिशा को, आपके निशान को, आपके ध्येय को, ताकि आप सचमुच जिस चीजों के लिए प्रभु यीशु के पास आयो, सबसे बड़ी है वो माफी जो यीशु ने हमारे लिए दी है, और उसके बाद बरकत है, इस जीवन में भी आप आशीषित हो और उस जीवन में अनंत जीवन को पाओ, और वो आप पाओ इसीलिए आपकी दिशा, आपका निशान क्लियर करना चाहते, ताकि आप गलत निशान बनाकर दौड़ दौड़ करो और आखिर 2023 एंड आ जाए और कुछ भी ना पाओ, ऐसा हम नहीं होना देना चाहते। और इसलिए आपको बताते आपका ध्येय निशान क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या खाएंगे, पिएंगे, पहनेंगे ना। प्रभु कहता है इसके लिए फिक्र मत करो, इसे निशान बनाकर 2023 में मत दौड़ना क्या खाएंगे, पिएंगे, पहनेंगे। क्यों? 32 क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है। आपकी नौकरी को लेकर निशान बनाकर दौड़ोगे आप फेल जाओगे। आप अपनी चंगाई को लेकर निशान बनाकर दौड़ोगे, मैं चंगाई चंगाई चंगाई, फेल जाओगे। कर्जे से बाहर आओ, बिजनेस खड़ा हो जाए, ये सब चिंताओं को लेकर प्रभु आपसे कहता है खाएंगे, पिएंगे, पहनेंगे, ये सब बाजू पर रख दो, इसे ध्येय, इसे निशान बनाकर इसके पीछे मत दौड़ो। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है ये सब चीजों को निशान कौन बनाते हैं?
ये सब चीजों को ध्येय बनाकर कौन दौड़ता है उसके पीछे? जो यीशु पर विश्वास नहीं करते वो लोगों को चिंता करनी पड़ती है, क्योंकि प्रभु कहता है आपको इस चीजों को निशान बनाकर क्यों नहीं दौड़ना है, क्योंकि वो ऑलरेडी जानता है कि इन सब चीजों की आपको आवश्यकता है। वो जानता है आपको बिजनेस में बरकत चाहिए, वो जानता है आपको अच्छी जॉब चाहिए, वो जानता है आपके बच्चों की पढ़ाई को लेकर आप चिंतित हो, उनकी फीस कैसे भरोगे, आप जानता है आपके बिलों को लेकर आप चिंतित हो, मैं कैसे अपने बिलों को भरूंगा, अपना कर्जा कैसे निकालूंगा, शादी नहीं हो रही, शादी कब होगी। वो जानता है आपको किस चीज की आवश्यकता है। हालेलुया। इसीलिए वो कहता है आप फिक्र मत करो, उससे ध्येय, उससे निशान बनाओ। क्या खाएंगे, पिएंगे, पहनेंगे? बोले मुझे क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा और क्या पहनूंगा, इसको लेकर फिक्र नहीं करनी है, इसके पीछे नहीं दौड़ना है। ये मेरा ध्येय नहीं है, ये मेरा निशान नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रभु कहता है इन बातों को निशान बनाकर उसके पीछे वो लोग दौड़ते हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते, क्योंकि उनका फिक्र करने वाला कोई नहीं है। आपकी फिक्र करने वाला जिंदा खुदा है। आप मत फिक्र करिए क्या खाएंगे, पिएंगे, पहनेंगे और दिन रात उसके विषय में सोचते रहो, दिन रात उसके पीछे दौड़ते रहो, दौड़ते रहो, दौड़ते रहो, आखिर में कुछ ना पाओ। प्रभु कहता है इन बातों की फिक्र मत करो, आपका परमेश्वर ऑलरेडी जानता है आपको चंगाई की जरूरत है, आपको बरकत की जरूरत है, आपको ब्लेसिंग की जरूरत है, आपको छुटकारे की जरूरत है, आपको अपने मकान की जरूरत है। प्रभु सब 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 कुछ जानता है। हालेलुया। और वो जब जानता है, वो जब चिंता करता है, आपको इस बातों की चिंता नहीं करनी है, आपको इससे निशान नहीं बनाना है। ये निशान दूसरे लोगों का हो सकता है जो प्रभु को नहीं जानते, वो लोग इस चीजों के पीछे दौड़ते हो सकते हैं, क्या खाएंगे, पिएंगे, पहनेंगे, इसके पीछे वो लोग दौड़ेंगे जो यीशु को नहीं जानते। लेकिन आपको इससे इसके पीछे नहीं दौड़ना, यीशु ऑलरेडी जानता है आपकी क्या जरूरत है। आप किसी को बताओ या ना बताओ, आपका बाजू वाला भी क्यों ना जानता हो या ना जानता हो, आपने किसी से इवन अपने एकदम करीबियों से भी भले बात ना करी हो, यीशु जानता है आपको किस चीज की आवश्यकता है। तो चीज आपका निशान नहीं है। बोलिए चीजें आशीष मेरा निशान नहीं होगा, क्योंकि मेरा प्रभु ऑलरेडी जानता है मुझे कौन सी चीजों की जरूरत है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? ओके, आगे पढ़िए। तो क्या हमारा निशान होना चाहिए? 33 आय, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। हालेलुया। बोलिए मुझे परमेश्वर के राज्य की और धर्म की, मतलब क्रिश्चियन धर्म नहीं, वो नहीं बचा पाएगा, धर्म के पीछे मत भागना। धर्म मतलब धार्मिकता, प्रभु की दृष्टि में धर्मी ठहरना, परमेश्वर की दृष्टि में मन भावता करना, उसे धार्मिकता बोलते हैं। बोले मुझे जो प्रभु को पसंद है उन चीजों के पीछे 2023 में दौड़ना है। हालेलुया। आपका निशान क्या होगा? आपका निशान क्या होगा? आपकी जरूरत है नहीं, आपकी चीजें नहीं। अगर वो निशान है तो आप गलत ठहरोगे, कुछ नहीं पाओगे। अगर आपने ये बात को निशान बना दिया, किस बात को? प्रभु कहता है इसलिए पहले, बोले पहले, मतलब सबसे पहले, इसके ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए। प्रभु कहता है पहले तुम परमेश्वर के राज्य को और धर्म की खोज करो, उससे जो भाता है, उससे जो पसंद है, उसकी आज्ञाकारिता, कैसे वो प्रसन्न हो, कैसे वो खुश हो, उसकी खोज में लगे रहो, उससे निशान बनाकर 2023 में दौड़ते रहो। तो क्या होगा? तो ये सब वस्तुएं, बोले सब वस्तुएं, आज लिस्ट बना देना कौन सी चीजों की ब्लेसिंग की आपको आवश्यकता है। प्रभु कहता है सब वस्तुएं, बोले सब वस्तुएं, जिस किसी भी चीज की आपको आवश्यकता है वो सब वस्तुएं तुम्हें
ये मैं नहीं कहता, यह प्रभु का वचन है प्यारो, और ये वचन कभी झूठा नहीं ठहरेगा। क्या आप 2023 में खाली हाथ रहना चाहते हो, या जो भी आपकी जरूरत है उसे पाना चाहते हो, वो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन आपका निशान क्लियर होना चाहिए, आपका ध्येय क्लियर होना चाहिए, आपका रास्ता क्लियर होना चाहिए, आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी, अग्रिमता, सबसे पहले क्रम पर आपका वो होना चाहिए जो प्रभु को पसंद है, जो प्रभु को भावता है, जो प्रभु की इच्छा है, वो सबसे पहली अगर आप रखोगे तो बाकी की सारे चीज अपने आप दे दी जाएगी। हालेलुया। उसका मतलब अगर आपका निशान सिर्फ आपकी जरूरत है, चीजें जो आपकी आवश्यकता है वो है, और प्रभु आपके निशाने से बाहर है, प्रभु को भावता, प्रभु को जो पसंद है वो आपके निशाने पर नहीं है, आपकी जरूरत है, तो वो सारी चीजें आपको नहीं मिलेगी जो आप चाहते हो। भले आप मसीह हो, भले आप आकर आराधना कर रहे हो, लेकिन आपने क्योंकि ये वचन को नहीं फॉलो किया, इसलिए आप आशीष को 2023 में नहीं पाओगे। आपका निशान क्या होना चाहिए? बोले मेरी वस्तुएं नहीं, मेरी आवश्यकताएं नहीं, मेरा प्रभु मेरा निशान रहेगा, मेरे प्रभु को जो भाता है वो मेरा निशान रहेगा। हालेलुया। और सुबह जब आप उठते हो 2023 के हर एक दिन, आपको अपने आप को याद दिलाना है, क्रिस्टोफर आज सुबह से तुझे वो करना है जो प्रभु को भाता है, जो उसकी इच्छा है वो तुझे सुबह से करना है। आप सुबह से उठकर चिंता करते हो, ये कैसे सेट करूं, ये तकलीफ से कैसे बाहर आऊं, ये समस्या से कैसे बाहर आऊं, क्या करूं, किसे मिलूं, क्या प्रयत्न। अरे छोड़िए उन सब बातों को, पहली आपकी चिंता ये होनी चाहिए, मैं प्रभु के चरणों में बैठा या नहीं, मैंने प्रभु की आज्ञा के अनुसार किया या नहीं, मैंने प्रभु का कहा किया या नहीं। अगर ये आपकी चिंता है तो आप 2023 में ब्लेस होने वाले हो, आशीषित होने वाले हो। वो हर एक, मैंने बोला हर एक, वो सब चीजें जो आपको जरूरत है वो आपको दे दी जाएगी, एक भी चीज बाकी नहीं रहेगी, क्योंकि आप प्रभु को प्रसन्न करने वाले होगे। आमीन। आपकी टॉप प्रायोरिटी, टॉप मोस्ट प्रायोरिटी ये होनी चाहिए, आपका निशान, आपका ध्येय 2023 में ये होना चाहिए, मैं प्रभु को कैसे खुश करूं, उसको क्या भाता है वो मैं करूं, उसको भाता है मुझे चर्च में जाना है, संगति में जाना है, कोई भी कीमत पर मैं संगति में जाऊंगा, चर्च की दुआ में जुड़ूंगा, हर रोज बाइबल पढ़ूंगा, हर रोज दुआ करूंगा, उसके भय में जीऊंगा, उसकी आज्ञाकारिता में जीऊंगा, उसकी बातों की जो प्रभु को पसंद है, उसके राज्य और धर्म की खोज करूंगा, वो निशान बनाकर मैं दौड़ूंगा, और बाकी की हर एक चीजें जिसकी मुझे आवश्यकता है वो मुझे मिल जाएगी। हालेलुया। अगर आप निशान चुक गए तो आशीष चुक गए। 2023 में आपका निशान अगर प्रभु की इच्छा के अनुसार नहीं है, आप वस्तुओं के पीछे भागोगे, आवश्यकता के पीछे भागोगे, आप खाली हाथ रहोगे। बोले मुझे आवश्यकताओं के पीछे नहीं भागना, क्या खाऊंगा, पीऊंगा, पहनूंगा, उसके पीछे नहीं भागना है, मुझे प्रभु के पीछे भागना है, उसकी इच्छाओं के पीछे भागना है, वो मेरा निशान रहेगा। आमीन। अरे वो आपका निशान है, आपकी ब्लेसिंग कोई छीन नहीं सकता, ना ही कोई रोक सकता है, ना कोई दुष्ट आत्मा ऐसी है जो आपको आपकी आशीष पाने से रोक पाए, आपके बिजनेस में, आपकी जॉब में, आपके परिवारों में बरकत शांति लाने से कोई दुष्ट आत्मा आपको रोक नहीं पाएगी। आमीन। ये प्रभु की प्रॉमिस है प्यार, प्रभु का वचन है, और वो हमेशा अपने वचन को पूरा करता है। आमीन। भजन संहिता 37 और चौथी आयत हम पढ़ेंगे, भजन संहिता 37 और चौथी आयत। यहोवा को अपने सुख का मूल जान, और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। प्रभु का वचन क्या कहता है? तेरे मनोरथों को, तेरे सुख का मूल जान, ऐसा तेरी जरूरत पूरी हो जाए और मैं सुखी हो जाऊं, खुश हो जाऊंगा, ये टारगेट बनाकर जीना है, ये निशान बनाकर जीना है? नहीं। प्रभु कहता है यहोवा को, मतलब परमेश्वर को अपने सुख का मूल जान ले। आप सुखी तब होगे जब आप प्रभु को अपने सुख का मूल जानते हो। मूल किसे कहते हैं? जड़, उसके ऊपर पूरा पेड़ डिपेंडेड होता है, जड़ से, मूल से वो सब पोषक तत्वों को खींचता है,
अगर पेड़ को मारना है, जड़ को सुखा दो, जड़ में एसिड डाल दो, पेड़ अपने आप सूख जाएगा। जड़ है जो जमीन से पोषक पदार्थों को सोख कर पूरे पेड़ में सप्लाई करती है, टहनियों तक और पत्तों तक भी। अगर मूल सूख जाएगा तो अपने आप पूरा पेड़ सूख जाएगा। अगर यहोवा खुदा आपका जीवन का ध्येय नहीं होगा, मकसद नहीं होगा, आपके निशाने पर प्रभु नहीं है, मूल नहीं है, तो सुख भी नहीं है। वो आपका मूल है सुख पाने का। वो है तो आप सुखी होगे, वो है तो आप बरकत पाओगे, वो है तो आप सुरक्षित हो। अगर यहोवा आपके सुख का मूल नहीं है तो आपके मनोरथ पूरे नहीं होंगे। प्रभु का वचन कहता है यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। हम आधा ले लेते हैं, प्रभु मेरे मनोरथों को पूरा करे। वो प्रभु ने मुझे प्रॉमिस दी, प्रभु मेरे मनोरथों को पूरा करेगा, प्रभु मेरे मनोरथों को अरे आगे तो देखिए कंडीशन है, कब पूरे होंगे मनोरथ? जब आप यहोवा को मूल मानोगे, जड़ उसे संभालो। इस 2023 में सबसे बड़ी प्रायोरिटी निशान आपका मकसद ये होना चाहिए, मेरा प्रभु के साथ का रिश्ता किसी भी हाल में कीमत में बना रहे। वो जड़ है, वो नहीं तो मैं नहीं, वो नहीं तो मेरे जीवन में सुख शांति नहीं है। मुझे जड़ को, मूल को, जो मेरे सुख का मूल है, उसे सुखना नहीं देना, सुखने नहीं देना है, उससे जुड़ा रहना है, उसमें बना रहना है। अगर इतना आपने कर दिया, अब 2023 खत्म होते होते वो देखोगे आप वो पेड़ बनोगे जो हर सीजन में फल लाता है, वो सूखता नहीं है। आमेन। क्योंकि उसकी जड़ें प्रभु में लगी हुई है। आमेन। वो पोषण को पाता रहेगा, पाता रहेगा, पाता रहेगा, वो बढ़ेगा और फैलेगा, राशिषित होगा, क्योंकि वो पेड़ आप होगे जो मूल को संभालता है, प्रभु के साथ के रिश्ते को संभाले रखे 2023 में। एक दिन भी, बोले एक दिन भी ऐसा नहीं होना चाहिए जब मैं बाइबल नहीं पढ़ूंगा, जब मैं दुआ नहीं करूंगा, एक भी संडे ऐसा नहीं होगा जब मैं प्रभु की संगति में नहीं आऊंगा। बोलिए ना, यही तो करना है हमें, यही तो आशीषों का मार्ग है। हमें ये सब चीजें छोटी छोटी लगती है, लेकिन ये सब काउंट होता है, ये सब गिना जाता है। और हम इसी में लापरवाह रहते हैं। दो संडे आए, ओ प्रभु को खुश कर दिया और सेवकों को मुंह भी दिखा दिया, अब दो संडे बंग। अरे आप दो संडे नहीं आकर हमारी ऊपर भला या उपकार नहीं करोगे, आकर आप अपना ही नुकसान कर रहे हो, क्योंकि आप वचन के खिलाफ जा रहे हो। आपने सुख का जो मूल है उसे त्याग दिया, काट दिया, और मूल के बगैर खड़े होना चाहते हो, मूल के बगैर आप सुखी होना चाहते हो। अरे मूल को काट कर कौन सा पेड़ खड़ा रह पाएगा? मूल नहीं है तो पेड़ मर जाएगा। आपको हर रोज मूल से, जड़ से, यीशु से जुड़ा रहना है, कि आज्ञाकारिता में बना रहना। एक दिन आपने कॉम्प्रोमाइज किया, समाधान किया, वो दिन शैतान आपके जीवन में काम करेगा। आप में से कई भेड़े ऐसी है जो एक के बाद एक कंप्लेन के अलावा कुछ नहीं होता। आपने आशीषों को नहीं देखा, आपने बरकत को नहीं देखा, आप उठ नहीं रहो, कहीं पर रुक गए हो। आपको 2023 में अगर बढ़ना है तो इसे गंभीरता से लेना, कहना प्रभु आज से मैं तय करता हूं, तय करती हूं, किसी भी हालात में मैं मूल से, जड़ से, यीशु आप से अलग नहीं होगा। मेरा ये निशाना बन जाएगा 2023 में कि मैं प्रभु से दूर नहीं होगा, उसकी आज्ञाकारिता में बना रहूंगा, बनी रहूंगी। आमेन। अगर ये आपने किया प्यारो, 2023 में प्रभु कहता है यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। कौन से आपके मनोरथ है, इच्छा है, ख्वाब है, स्वप्न है, वो प्रभु पूरा करेगा। ये उसकी गारंटी है, ये कोई बाबा की गारंटी नहीं जो आज बोला कल फोक हो जाए, कल ढूंढो फिर भी ना पाए। ये जिंदा खुदा की गारंटी है। हालेलुया। वो कभी भी गलत नहीं ठहरेगा, वो मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले। प्यारो आ एक और वचन को पढ़े, भजन संहिता 34:15। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। 17
धर्मी दोहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। हालेलुया, बोलिए मुझे वो धर्मी बनना है जिसकी हर दुआएं सुनी जाए। हम दुआ करते चिल्लाते हो प्रभु मदद करिए, लेकिन कौन से दिन, जो दिन विपत्ति आ पड़ती है वो दिन चिल्लाना शुरू करते हैं, बाकी के दिन मन चाहा वैसे जीते हैं, बाकी के दिन मन को खुश करते हैं, दिल को खुश करते हैं, जो आया वो देख लेते, जो आया वो खा लेते, व्यसन करना पड़े करने की इच्छा हो कर लेते हैं, चर्च में नहीं आना आने का मन हो सो जाते। प्रभु बोले दुआ कर, हम दो चार दिन दुआ के बगैर चला रहते और जब विपत्ति आती है पुकारते 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 फिर भी हमारी दुआएं नहीं सुनी जाती, और फिर हम कह यीशु हमारी दुआ ही नहीं सुनता। अरे कहां से सुनेगा, आप धर्मी बने। धर्मी मतलब उसकी बातों के अनुसार करने वाला, धार्मिकता में उसको जो पसंद है, उसको जो पसंद है उसके अनुसार जीने वाला। उसके लिए प्रभु का वचन कहता है यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है, उसकी आंखें आपके ऊपर लगी रहेगी अगर आपने एक निशान बनाकर चलना शुरू कर दिया कि मैं प्रभु को मूल जानूंगा अपने सुख का, सबसे पहले मैं उसको जो पसंद है वो करूंगा, उसके पीछे चलूंगा, उसकी आज्ञाकारिता में बना रहूंगा, पवित्रता में बना रहूंगा, प्रभु की संगति में जुड़ा रहूंगा। अगर ये आपका निशान है 2023 में, प्रभु का वचन कहता है उसकी आंखें आपके ऊपर बनी रहेगी। हालेलुया, प्रभु देखेगा आपको, मेरा बेटा मेरी बेटी उसे कोई छूने ना पाए, वो खाली हाथ ना जाए, उसकी हर जरूरत पूरी की जाए। रुका वचन कहता है उसके कान उनकी दोहाई की ओर लगे रहते हैं। एक छोटी सी आवाज मुझ से निकलेगी, प्रभु तू मदद कर, तुरंत मदद मिलेगी। वो अपने दूतों को आपके लिए काम में लगा देगा, आपके लिए मददगारों को भेजेगा, आपके लिए रास्ता करेगा एक छोटी दुआ से, क्योंकि उसके कान आपकी ओर लगे रहेंगे। आपने उसको जो भाता था वो किया होगा। ऐसा नहीं करना प्यारो, ये गलती नहीं करना, जब विपत्ति आ पड़े तब आप दोहाए जो पुकारो प्रभु बचा बचा बचा, तब कुछ नहीं होगा कि उसके कान आपके ऊपर नहीं लगे होंगे, क्योंकि आपने उसको जो पसंद है वो नहीं किया। प्रभु की आंखें किसके ऊपर लगी रहती है, प्रभु के कान किसकी ओर लगे रहते हैं, बोले धर्मी की ओर। वचन के अनुसार धर्मी वो है जो प्रभु को जो भाता है वो करता है। आप चाहते हो 2023 में आप कभी भी आधी रात को एक छोटा पुकार करो, वो आपकी मदद करे, उसकी आंखें आपके ऊपर बनी रहे, कोई दुष्ट आत्मा दुष्ट लोग आपको छू ना पाए, शत्रु आपको तंग करने ना पाए, तो आपको धर्मी बनना पड़ेगा, आपको प्रभु को जो पसंद है वो करना पड़ेगा 2023 में। अगर ये आपका निशान है, उसकी नजर आपके ऊपर रहेगी, उसका कान आपकी ओर लगातार रहेगा, छोटी से छोटी आपकी दुआ वो सुनेगा, किसी को आपको छूने नहीं देगा। वो कहता है जो मेरे लोगों को छूते हैं वो मेरी आंख की पुतली को छूते हैं, वो किसी को आपको छूने नहीं देगा, लेकिन आपको उसमें बना रहना है, धार्मिकता में बना रहना है, उसको जो भावता है वो करना है। आमीन। अब लापरवाही में मत जिए प्यारो, यहां से निकले और जेब से गुटखा निकाल कर खाते हो, फिर भी पत्ती आने पर प्रभु पास्टर पास्टर दुआ करो दुआ, अरे कुछ नहीं होगा, तब वो काउंट होगा जो आज हम सिखा रहे हैं, तब वो काउंट होगा कि क्या आप धार्मिकता में जिए या नहीं जिए। फिर सिर भी पटकते हो कुछ नहीं होता, क्वेश्चन फिर आप प्रभु के ऊपर करते हो, प्रभु के दासों के ऊपर, प्रभु के दास ने भी दुआ करी नहीं सुनी गई, प्रभु ने मेरी दुआ नहीं सुनी, अरे अभी तक कहां थे आप, अभी तक जिसके आप जिसकी गोदी में बैठे रहे शैतान की, उसकी बातों को आपने किया, तब आपने जो मजा लेना था वो लिया, और जब वो आपके जीवन में विपत्ति लाता है अचानक से आप गोदी से उठना चाहते हो, वो छोड़ी ना छोड़ेगा आपको। आप जिसके पास जाओगे वैसा आप पाओगे, आप शैतान के पास जाओगे तो वो तो चोर है, बाइबल कहता है वो चोरी करेगा नाश करेगा मारेगा, उसके अलावा कुछ नहीं पाओगे। आप प्रभु से दूर जितना भागना चाहे भाग लो, याद रखना आप प्रभु से दूर मतलब शैतान के करीब, और वो चोर है कुछ नहीं बाकी छोड़ेगा। जो मजा आप ले रहे हो
वो मजे का पूरा वो मजा वो किरकिरा करेगा। एक एक बातें जो आपने मजे लेते हुए उससे पाई है उसका कई गुना वो वसूल करेगा। आप प्रभु से दूर भाग कर आशीषित नहीं हो सकते। आपको अगर आशीषित होना है, जो आशीषों का मूल है, उसके पास ही आपको रहना पड़ेगा, उससे जुड़ा रहना पड़ेगा। आप खेल नहीं सकते। जब जरूरत पड़ी दौड़ कर आ गए प्रभु के पास और बाद में मनचाह जीवन जीते रहे, पाप में जीते रहे, उसके साथ का नाता रिश्ता तोड़ दिया और फिर हम चाहते हम आशीषित हो, हम बरकत पाए, हमारी इच्छाएं पूरी हो जाए, हमारा कर्जा दूर हो जाए, हम चंगे हो जाए, हम सफल हो जाए। अरे सुख के मूल को तो आपने काट दिया है और फिर चाहते पेड़ सूखा ना रहे, हरा भरा, और कहां से हरा भरा होगा। आप गए ही चोर के पास हो, आपने उसको अपना साथी बनाया, यीशु को छोड़ दिया और चाहते हो मैं आशीष पाऊ। अरे वो तो आशीषों को लूटने वाला है, वो चोर है, वो नासिक लाएगा आपके जीवन में। अगर आशीष पानी है तो आशीष देने वाले से जुड़े रहे। यीशु ने कहा मैं और मेरा घराना हम तो यहोवा की सेवा करेंगे। ये उसका निशान था। आपका निशान 2023 में क्या होगा आज ही तय करना है। आज तय करो 2023 में क्या आपका निशाना होगा। अगर ये आपका निशाना है मैं और मेरा घराना हम प्रभु के पीछे चलेंगे, उसकी आज्ञाकारिता में बने रहेंगे, पवित्रता में बने रहेंगे, संगति में जुड़े रहोगे, आप 2023 में ब्लेस होने वाले हो, आप आशीषित होने वाले हो, आप आशीषों का स्रोत होगे, आशीष आपके अंदर से उमड़ेगी, बरकतें आपसे बाहर आकर दूसरों तक पहुंचेगी, आपका प्याला उमड़ने वाला है। प्यारो अगर 2023 में आपने मूल को पकड़ लिया, उससे जुड़े रहे तो हालेलुया। भजन संहिता 34 और 10वीं आयत हम पढ़े। भजन संहिता 34 और 10वीं आयत। जवांसियों को तो घटी होती है, वे भूखे भी रह जाते, परंतु यहोवा के खोजियों को, बोलिए यहोवा के खोजियों को, आशीषों के खोजियों को नहीं, जो सिर्फ आशीषों के पीछे दौड़ते ये मिल जाए वो मिल जाए मेरा खाना पीना पहनना, इसकी खोज में रहते उसके लिए प्रॉमिस नहीं है। लेकिन जो यहोवा को, जो आशीषों का स्रोत है उसको खोजते, इसके लिए प्रॉमिस है। क्या प्रॉमिस है? यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी, हालेलुया, आपकी हर कमी पूरी करी जाएगी यीशु मसीह के नाम में। अगर आप ये 2023 में निशाना बना ले तो मैं यहोवा को खोजूंगा, सुबह से लेकर शाम तक, रात में भी मैं यहोवा को खोजूंगा, कब उसके चरणों में बैठूं, कितना ज्यादा समय उसके साथ बिताऊं और दुआ करूं और बाइबल पढ़ूं। आप यहोवा को खोजोगे, यहोवा आप कैसे मैं आपको प्रसन्न करूं, आपको कैसे मैं खुश करूं, आपकी कौन सी इच्छा है जो भी मैंने पूरी नहीं करी है, आप क्या चाहते हो, मैं क्या करूं। आप यहोवा को खोजोगे, उसकी बातों को खोजोगे, प्रभु कहता है कोई भी अच्छी चीजों की आपको घटी नहीं रहेगी। हालेलुया। या कहता है वचन जवानसियों को घटी होती है, वे भूखे हो रहते हैं। प्रभु कहता है ये 2023 में अच्छे अच्छे लोग भूखे रहेंगे, बड़े बड़े बिजनेसमैन, धनी लोग अपने जीवन में चैन और सुकून को गवाएंगे, लेकिन आप अपने जीवन में चैन और सुकून को पाएंगे, आपको कोई घटी नहीं रहेगी, क्योंकि आप यहोवा के खोजने वाले होंगे। आमीन। ये वक्त 2023 कई लोगों के लिए बुरा, इवन धनी लोगों के लिए भी, जिनके पास इस धन का, संसार की धन दौलत जायदाद सब कुछ है, वे जवान सिंह भूखे रह जाएंगे, इन प्रभु को खोजने वाले लोग ये 2023 में ब्लेस होने वाले हैं। आमीन। 2023 में प्रभु को खोजने वाले लोगों को कोई चीज की घटी नहीं पड़ेगी। सिर्फ धर्म के क्रिश्चियन है, सिर्फ नाम के क्रिश्चियन है, नाम के विश्वासी है, कुछ नहीं पाएंगे, लेकिन जिसने यहोवा को खोजा 2023 के हर दिन, प्रभु तुझे क्या पसंद है, तेरे लिए क्या करूं, तेरी क्या इच्छा है, यहोवा को खोजने वाले ये 2023 में खाली हाथ नहीं रहेंगे। आमीन। हालेलुया। कष्ट झेलना पड़े झेलो, कुछ बलिदान देने पड़े दे दो, जो नहीं पसंद प्रभु को वो छोड़ दो, ऐसी दोस्ती ऐसी संगति एक झटके में छोड़ दो जो प्रभु से आपको दूर ले जाती है, प्रभु की खोज में उसे निशाना बनाकर उसकी ओर बढ़ने के लिए पीछे जो छोड़ना पड़े छोड़ दो, कुछ मायने नहीं रखता।
क्योंकि आप बाद में जो पाने वाले हो वो जो छोड़ा है उसके मुकाबले कई गुना ज्यादा है, कई गुना बड़ा है। हालेलुया। हमने न्यूयॉर्क के दिन आपको एक एक बड़ी जो फूड चेन है उसका एग्जाम्पल दिया था, चिक फिले करके, फिर विदेश में शायद इंडिया में भी अब लॉन्च हो चुकी है। वो चिकन की आइटम्स बनाते थे, उन्होंने संडे सबसे ज्यादा इनकम का दिन, सबसे ज्यादा कमाने का दिन, लेकिन उन्होंने तय किया मैं यहोवा को खोजूंगा, प्रभु को मैं ये समय दूंगा, प्रभु की आराधना के लिए चर्च में जाऊंगा, मैं संडे ये बिजनेस नहीं करूंगा। जबकि संडे उनका सबसे ज्यादा बिजनेस रहता था, उन्होंने संडे बंद कर दिया अपनी दुकान, वो जो फूड चेन चलाते थे, जो भी नुकसान हो जाए प्रभु को खोजूंगा, उसको जो भाता है वो करूंगा। और जैसे हमने बताया था, बाकी के फूड बिजनेस में जो लोग हैं सालाना 1 मिलियन कमाते हैं, लेकिन ये चिक फी लेकर के जो फूड चेन है सालाना $5 मिलियन कमाते हैं, 5 गुना ज्यादा मुनाफा। लेकिन एक स्टेप उन्होंने लिया, चाहे कुछ भी हो जाए प्रभु को जो भावता है, प्रभु की जो इच्छा में, प्रभु को जो पसंद है, कुछ भी छोड़ना पड़े मैं वो ही करूंगा। हालेलुया। जब मैं परमेश्वर में आया, मेरे कई बड़ा बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल था, अच्छे अच्छे घराने के फ्रेंड्स थे, लेकिन वो सब परमेश्वर से दूर थे, सब धनी थे, अच्छे घराने से, माँ बाप दोनों जॉब करते, बिजनेस करते, अच्छा खासा पैसा था, लेकिन मैंने देखा अच्छे अच्छे मेरे ये दोस्त मुझे प्रभु से दूर ले जाएंगे। मुझे एक झटके में उनको छोड़ना पड़ा, मैंने छोड़ दिया। कोई नहीं मित्र होगा तो चलेगा, यीशु मेरा मित्र है, वो मेरे लिए काफी है। हालेलुया। ऐसे फ्रेंड्स से, ऐसे गर्लफ्रेंड, ऐसे बॉयफ्रेंड से चैट करना बंद कर दीजिए, तय करिए अब यहोवा से मैं चैट करूंगा, यहोवा के साथ मैं बात करूंगा, वो मेरा फ्रेंड है, वो मेरा मित्र है, वो मेरा दोस्त है, मैं वो निशाना बनाकर अब चलूंगा, जो भी छोड़ना पड़े मैं छोड़ूंगा, अब मुझे वो व्यसन की जरूरत नहीं, वो मेरे सुख का मूल नहीं है, मेरा सुख का मूल मेरा यहोवा है। जो दारू व्यसन आपका सुख का मूल जानकर आप दौड़ रहे हो, वो एक दिन आपको खा जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा, आप रोओगे, अपने सिर को पटकोगे, कुछ करो मेरा जीवन बच जाए। जब शरीर खराब हो गया होगा, सब जब शैतान वो व्यसन के कारण आपके शरीर को बिगाड़ डाला होगा, फिर रोने से कोई फायदा नहीं होगा। अभी समय है, ये 2023 की शुरुआत में अगर आपने ठान लिया मैं व्यसन को, दारू को, गुटखा को, बीड़ी को, तमाकू को, वो जो क्या था छिकनी, उससे मैं सुख का मूल नहीं जानूंगा, वो 2 मिनट का सुख देगी, जीवन भर का नुकसान लाएगी, मैं यहोवा को अपने सुख का मूल जानूंगा। छोड़ दीजिए, अभी भी आपने नहीं छोड़ा है, वो परमेश्वर आपके सुख का मूल बनेगा, वो सुख कुछ पलों का नहीं होगा, वो परमानेंट होगा। हालेलुया। तम्बाकू गुटखा आपको 2 मिनट का आनंद दे सकता है, परमानेंट नुकसान लाएगा, यहां भी आने वाले अनंत जीवन को आप खोगे। अगर आपने ये तय कर लिया मैं व्यसन को अपने सुख का मूल नहीं, यहोवा को अपने सुख का मूल जानूंगा, उसके नशा से आप भर जाओगे, वो आनंद ऐसा है प्यारो जो कभी नहीं उतरता, उसका नशा, उसके आत्मा का नशा, उसका आनंद, उसकी खुशी, उसका चैन कभी भी गायब नहीं होता। हालेलुया। आपको उससे अपने सुख का मूल बनाना है 2023 में। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है सी भूखे रहेंगे, सी के बच्चे को घटी रहेगी, जवान मतलब ताकतवर, लेकिन जो प्रभु के खोजिए उनको कोई अच्छी चीज की घटी नहीं रहेंगी। आमीन। एक और आज पढ़े भजन संहिता 127 और 1, भजन संहिता 127 और पहली आय। यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा, यदि नगर की रक्षा यहोवा न करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। आप दौड़ते हो परिश्रम करने के लिए, मैं अपने परिवार को सुखी करूंगा, मैं आज मेहनत करूंगा, आज जल्दी नौकरी पर चला जाऊंगा, आज जल्दी मजदूरी पर काम पर चला जाऊंगा, बिजनेस के लिए जल्दी उठकर दौड़ूंगा, लेकिन अगर आपने वो दिन प्रभु के साथ की संगति छोड़ दी, आपका परिश्रम व्यर्थ, आपका परिश्रम व्यर्थ। लेकिन आपने उठते ही परमेश्वर के चरणों में बैठना तय किया, निशान आपका प्रभु, सबसे पहली प्रायोरिटी आपका प्रभु, बाद में मैं अपने काम पर जाऊंगा, वो दिन का छोटा सा परिश्रम बड़े फल को लेकर आएगा, आपका परिवार प्रभु चलाएगा क्योंकि आपने उससे पहला स्थान दिया। आपके परिश्रम से आपका परिवार नहीं चलता प्यारो, प्रभु चलाएगा तो चलेगा। आपके परिवार का गुजारा आप नहीं कर रहे, आपका खुदा कर रहा है, लेकिन आपको उसके ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, उसको स्थान मान सम्मान देना पड़ेगा, सुबह उठकर उसके चरणों में बैठ जाए,
और वो दिन जो भी परिश्रम करा होगा वो व्यर्थ नहीं जाएगा, वो फल लाएगा। आप स्टडी के लिए बैठते हो, बोलते हो आज 6 घंटे जल्दी पढ़ने के लिए बैठ जाओ, आज दुआ नहीं करनी है मुझे ज्यादा पढ़ना है, वो दिन की पढ़ाई वेस्ट। या प्रभु के चरणों में नहीं बैठे, पहले प्रभु के चरणों में बैठिए, प्रभु सनुग्रह मांगे, प्रभु याकूब 1:5 के अनुसार मुझे ज्ञान दे, बुद्धि दे, उससे बात करे, फिर पढ़ाई करे। वो छोटे कुछ घंटों की पढ़ाई आपके जीवन में बरकत को, सफलता को लेकर आएगी, आपके रिजल्ट में आप परिवर्तन देखोगे, आमेन। लेकिन आपको पहला स्थान प्रभु को देना है, प्रभु की बातों को देना है। प्रभु का वचन कहता है यहोवा घर न बनाए तो आपका परिश्रम मिथ्या है। सुबह उठ कर कहना प्रभु तू मेरा घर बना, तू मेरा घर चला, तू मेरा गुजारा चला, मेरी बच्चों की जरूरत प्रभु आज से तू पूरी करना, मैं तो तेरे चरणों में आ जाऊंगा, मैं तेरी हजूरी में बैठूंगा, अब से तू मेरा घर चला रहा। एक बार उसे देख कर तो दीजिए, आपके घर की जिम्मेदारी आपसे बढ़कर वो चलाएगा, कि ये पृथ्वी को जो चलाने वाला है उसके हाथों में आपने अपना घर दे दिया होगा। ये पृथ्वी को जो चलाता है वो छोटी सी चिड़िया को भी भूखा नहीं रहने देता, वो क्या आपके परिवार को भूखा सोने देगा? आप पहले उसके चरणों में जाए, उससे कहे प्रभु तू मेरा घर चला, मैं तेरे चरणों में आया हूं, बाद में मैं जाऊंगा काम पर, आपका मेहनत करना व्यर्थ नहीं होगा, आमेन। नीति वचन 3:6 पढ़िए, नीति वचन 3:6, उसी को स्मरण करके सब काम करना तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। कई लोगों के मार्ग इतने टेढ़े होते, कुछ भी करते सफल नहीं होते, यहां जाते वहां निष्फलता, यहां जाते वहां निष्फलता, बोलते पता नहीं मुसीबत मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती। अरे मुसीबत से आपने फ्रेंडशिप करी है, प्रभु से फ्रेंडशिप तोड़कर। प्रभु का वचन क्या कहता है, नीति वचन 3:6 में, उसी को स्मरण करके सब काम करना। आपका निशान क्या होगा? पहले मैं प्रभु को स्मरण करूंगा, बाद में सब काम करूंगा। हम क्या करते हैं, पहले सब काम कर लो फिर रात को मैं प्रभु के पास जाऊंगा, वो सफल कभी नहीं होता। आपको पहले प्रभु को स्मरण करना, बोले मुझे पहले प्रभु को स्मरण करना है। रात को स्मरण करने नहीं बैठना जब आपका शरीर साथ ना दे, जो के खाते खाते क्या प्रभु को स्मरण करोगे? आपको पहले प्रभु को स्मरण करना है, सुबह में उसके चरणों में बैठना है, आमेन। बोले मैं सुबह में प्रभु के चरणों में बैठूंगा, सब काम करने से पहले उसका मैं स्मरण करूंगा। अगर ये करोगे तो प्रभु की प्रॉमिस से उसी को स्मरण करके सब काम करना तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग, वो तब आपके लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आप छटपटा कर भी सीधा मार्ग नहीं निकाल सकते, क्यों? आपने प्रभु को स्मरण करके वो दिन काम नहीं किया होगा। आप मेहनत करी लेकिन फेल गए, लेकिन वो दिन अगर आपने प्रभु को स्मरण कर लिया होता, उसके चरणों में जा लिए होते, तो वो आपके लिए सीधा मार्ग करता, कम मेहनत में आप सफल हो जाते, आमेन। हम ऐसे कान पकड़ने में मानते हैं, हमें पता नहीं आदत पड़ गई है ऐसे ही पकड़ना। अरे सीधा पकड़ो ना, ये 2023 में सीधे कान पकड़ना सीख जाओ, नहीं फिर उल्टा पकड़ना बहुत कठिन पड़ता है। पहले सब काम करते फिर निष्फल जाते फिर ऊपर देखते हैं। अरे पहले से ऊपर देख लिया करो तो बाद में निष्फल जाकर ऊपर देखना ना पड़े, लेकिन थैंक्स गिविंग के लिए ऊपर देखना पड़े। प्रभु धन्यवाद करते हुए कि तूने आज मुझे सफल किया, मेरे मार्ग को सीधा किया। आप देखना चाहते हो आपके मार्ग सीधे हो, यहोवा को स्मरण करना है, आमेन। ओके, कुछ चीजों को हम बाद में सीखेंगे, लेकिन ये बातें जो आज आपके आगे रखी है, एक आखिरी वर्ष हम पढ़ लेते, बाद में हम दुआ में जाएंगे। याकूब 4 याकूब 4:4 और 13 तुम यों कहते हो आज का आज या कल हम किसी
और नगर में जाकर वहाँ एक वर्ष बिताएंगे, व्यापार करके लाभ कमाएंगे और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या, तुम तो भाप के समान हो जो थोड़ी देर में दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। इससे विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए, यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और यह या वह काम करेंगे, पर अब तुम अपने डिंग मारने पर घमंड करते हो। प्रभु कुछ लोगों को कहता है, आप घमंड करते हो, कहते हो मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, ये करूँगा तो सफल हो जाऊँगा, मैं तो पक्का हूँ, मैं कभी फेल नहीं जा सकता। प्रभु कहता है अरे घमंड करना छोड़ दो, प्रभु को स्थान दे दो, क्योंकि आपने जो घमंड किया है वही आपको पछाड़ेगा, वही निष्फलता को लाएगा। आइए 2023 में अपने घमंड को छोड़े, अपने आप को नम्र करें। प्रभु मुझे तेरी ज़रूरत है, तेरे बगैर मैं कुछ नहीं। प्रभु मेरा निशान अब से तू बन जा, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी अब तू बन जाए। पहले मैं धार्मिकता की खोज करूँगा, तुझे जो भाता है पसंद है उसे खोजूँगा और वो सारी चीज़ें जो मुझे ज़रूरत है वो मुझे दे दी जाएगी। मैं चीज़ों के पीछे नहीं दौड़ूँगा, उसके पीछे तो वो लोग दौड़ते हैं जिनकी चिंता करने वाला कोई नहीं है। तू मेरे साथ है, मेरी चीज़ों की, ज़रूरतों की, आवश्यकताओं की चिंता करने वाला। जब मैं तुझे ढूंढूंगा, तुझसे मूल से जुड़ा रहूंगा, अपने आप में हरा भरा हो जाऊंगा। मैं अपने स्थान पर खड़े हो जाए, हम दुआ में जाए और प्रार्थना करें कि प्रभु हमें यह अनुग्रह दे कि हम ये 2023 में जो निशान प्रभु की इच्छा में है वो निशान बनाकर दौड़े। ये समय प्यारो आपका है, आपको उत्तर देना है प्रभु से कि आप ये 2023 में कौन से निशान को बनाकर चलोगे। कि आपका निशान वो है जो आज हमने वचन से देखा, या आपका निशान सिर्फ चीजें होगी, जरूरत होगी, चंगाई, कर्जा दूर हो जाए, खर्चा निकल जाए, घर मिल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, वो तो सब होगा ही होगा अगर आशीषों का स्रोत जो है उससे आप जुड़े रहोगे। तो आइए आज प्रभु से कहे, प्रभु मेरे सुख का मूल आप हो, और मैं आपसे नहीं जुड़ा तो मैं कभी सुख को नहीं पाऊंगा। और ये 2023 में मैं चाहता हूँ मैं बरकतों को पाऊँ, आशीषों को पाऊँ, छुटकारे को पाऊँ। प्रभु आपका वचन जैसे मैंने पढ़ा, मुझे पहले धार्मिकता की खोज करनी है, जो आपको पसंद है वो मुझे खोजना है। आप मुझ पर अनुग्रह कीजिए, हर रोज सुबह पहले मैं आपको खोजूं, यहोवा के खोजियों को किसी भी अच्छी वस्तुओं की कमी नहीं पड़ेगी। 2023 में आए हम यहोवा के प्रभु के खोजी बने, हर रोज सुबह हम उससे खोजे, प्रभु मैं तुझसे मिलने आया हूँ, तुझसे बात करने आया हूँ, तेरी आवाज़ को मुझे सुनना है, तेरे वचनों से जब पढ़ूँ प्रभु तू मुझसे बात करना, मैं भी तुझसे दुआ के द्वारा बात करूँ। 2023 में मैं वो खोजूँ जो प्रभु को पसंद है, उसकी आज्ञाकारिकता के पीछे दौड़ूँ, उससे निशान बनाऊँ। सिर्फ जरूरतों के लिए प्रभु के पीछे मत दौड़िए प्यारो, आप खाली हाथ रह जाओगे। अगर आपको सचमुच आपको ब्लेस होना है, जरूरतों को पूरा होता हुआ देखना है, तो 2023 में जरूरतों के पूरे करने वाले के पीछे दौड़िए। अगर यीशु है तो हर जरूरतें अपने आप पूरी करी जाएगी। हाथों को उठाए, प्रभु से बात करें प्यारों, वो हमारे बीच में मौजूद है, वो आपकी आवाज़ को सुन रहे हैं। आपका निशान क्या होगा 2023 में, आपका ध्येय क्या होगा? प्रभु कहता है क्या खाएंगे, पिएंगे, पहनेंगे, इसकी फिक्र मत करो, उसकी चिंता मत करो, उसे ध्येय मत बनाओ, उसके पीछे मत दौड़ो, पहले मेरी बातों की खोज करो, तो वो सारी चीजें जिसकी आपको आवश्यकता है वो दे दी जाएगी।
दे दिया जाएगा जो 2023 में आपको जरूरत है, जो आपकी आवश्यकता है। उसकी फिक्र मत करो, फिक्र एक ही बात की लगाए रखो, मेरा रिश्ता प्रभु से जुड़ा रहे, वो मेरे सुख का मूल है, वो मेरे जीवन में बना रहे, मूल सुख न जाए, मूल से मैं जुड़ा रहूं, तो ही मैं हरा भरा फलवंत रहूंगा। कहिए प्रभु से, प्रभु तू यह अनुग्रह मुझ पर होने दे 2023 में, मैं मूल से जो सुख का मूल है उससे जुड़ा रहो, उससे अलग ना हो जाओ। शैतान मुझे कोई भी ऐसी बातों में ललचा कर दूर न ले जाए। मैं 2023 में खाली हाथ रहना नहीं चाहता, मैं आपसे जुड़ा रहना चाहता हूं, आप में बना रहना चाहता हूं। चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी बलिदान देना क्यों ना पड़े, जो भी छोड़ना पड़े मैं छोड़ूंगा, फ्रेंडशिप छोड़नी पड़े मैं छोड़ूंगा, ऐसी चेयर्स जो प्रभु को पसंद नहीं छोड़नी पड़े मैं छोड़ूंगा, से ग्रुप जो छोड़ने पड़े मैं छोड़ूंगा, से व्यसन जो अगर छोड़ने पड़े मैं छोड़ूंगा, दोस्ती छोड़ूंगा। प्रभु से कहे, प्रभु मैं तेरे करीब आऊं 2023 में और करीब, तुझसे जुड़ा रहो, तुझ में बना रहो, ये मेरा मकसद बन जाए, ये मेरा निशान बन जाए 2023 में। अनुग्रह दीजिए प्रभु, ये निशान को मैं मिस न कर दो। अगर प्रभु को आपने पकड़े रखा, उससे जुड़े रहे, कोई इस दुनिया की ताकत आपको 2023 में आशीषित होने से रोक नहीं पाएगी। वो आपके मनोरथ पूरा करेगा, वो आपके ख्वाब को पूरा करेगा, वो आपको खाली हाथ नहीं रहने देगा 2023 में। आप ब्लेस हो गए ही हो गए। जवान सीओ को कमी घटी पड़ेगी, आपको कोई अच्छी चीजों की कमी घटी नहीं पड़ने देगा। वो कोई दुष्ट आपको छू ना पाएगी, ना ही कोई दुष्ट लोग आपका कुछ बिगाड़ पाएंगे। वो आपकी सुरक्षा करेगा, उसकी नजरें आपके ऊपर बनी रहेगी, उसके कान आपके एक एक पुकारों की ओर खुले रहेंगे। आप छोटा पुकार करोगे, वो सुनकर बड़े काम करेगा आपके लिए, वो आपको देखता रहेगा। मेरी बेटी, मेरा बेटा मेरे पीछे चल रहा है, मुझे निशान बनाकर मेरे पीछे चल रहा है, वो आपकी फिक्र करेगा, वो आपकी जरूरतों की फिक्र करेगा, वो आपकी आवश्यकताओं की फिक्र करेगा, वो खाली हाथ आपको नहीं छोड़ेगा। लेकिन आज कहिए, प्रभु आज से मेरा निशान तू बन जाए, तुझे जो पसंद है वो मेरा निशान बन जाए प्रभु। ये गाना जब हम गा रहे प्यार, अपने आप को समर्पित करिए, प्रभु से कहिए, मेरे जीवन का मकसद अब से तू है, मेरे जीने का कारण प्रभु तू है, 2023 में मैं तेरे लिए जीऊं, तुझे जो भावता है वो करूं और तुझे मैं प्रसन्न करूं। मेरा निशान 2023 में एकदम चौकस, एकदम स्पष्ट रहेगा, सिर्फ और सिर्फ प्रभु, सिर्फ और सिर्फ यीशु, और उससे जो भावता है वो। मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए, छोड़कर जो तुझे नहीं पसंद था वो छोड़कर मैं निशान की ओर आगे बढ़ू, तेरी ओर आगे बढ़ू। ये साल में तू ऐसा अनुग्रह होने दे। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलू, जो मेरे लिए धन था
यीशु, ये अनुग्रह आप मुझ पर होने दो। 2023 में आप मेरा निशान बन जाओ, आपकी खुशी मेरा निशान बन जाए, आपकी आज्ञाकारिता मेरा निशान बन जाए। मैं धार्मिकता की खोज करूं, आपको जो पसंद है, जो आपको अच्छा लगता है, वो ये 2023 में मैं करूं। जिससे आप दुखी होते हो वो 2023 पे मैं न करूं, ये अनुग्रह मुझ पर होने दो, ये मेरा निशान बन जाए। सबसे पहले आपको जो पसंद है वो करूं, ताकि 2023 मेरे जीवन के लिए आशीषित वर्ष बन जाए। ओ प्रभु यीशु के नाम में, प्रभु यीशु के नाम में यह अनुग्रह मुझ पर होने दो कि 2023 में आपको भावता हुआ करके मैं आपको प्रसन्न करूं, और ये 2023 में आप में मैं और बढ़ूं, आपके और करीब आऊं। प्रभु यीशु, यीशु मसीह, आपके नाम से मेरी ये दुआ है, आप कबूल करो, आमीन। अपनी आंखों को बंद रखिए प्यारो, और जो बातें आपने प्रभु से कही उसके लिए अनुग्रह मांगिए। कहिए प्रभु मुझे आपकी सामर्थ की जरूरत है, मुझे आपके बल की जरूरत है, आप मुझे बल दीजिए, आप मुझे अनुग्रह दीजिए। कहिए पवित्र आत्मा मुझे आप सामर्थ दीजिए, पवित्र आत्मा आप मुझे बल दीजिए कि मैं वो मकसद, वो निशान जो आज मैंने तय किया है उसके पीछे चल पाऊं, मैं कहीं डाइवर्ट ना हो जाऊं, कहीं खो ना जाऊं, कहीं शैतान मुझे कहीं गलत बात में फंसा ना दे। पवित्र आत्मा मेरी सहायता करे, पवित्र आत्मा मेरी सहायता करे। मांगे मांगे मांगे, हाथों को उठाकर मांगे, कहीं मुझे पवित्र आत्मा की जरूरत है, पवित्र आत्मा की जरूरत है, कि सामर्थ की मुझे जरूरत है, नया बल, नया सामर्थ, नया अनुग्रह इस मकसद को पूरा करने के लिए, ये निशान की ओर दौड़े चले जाने के लिए, नया अभिषेक, नया सामर्थ स्वर्ग से मुझ पर उंडेला जाए। आप मांग रहे हो और प्रभु आपको भर रहा है प्यारो, आप मांग रहे हो प्रभु आपको सामर्थ दे रहा है प्यारो। मांगे मांगे मांगे, और ये बल आपको मदद करेगा प्यारो, पवित्र आत्मा आपको छू रहे प्यारो, पवित्र आत्मा आपको भर रहे। बागे साबर साबर साबर, कहिए कहिए प्रभु मुझे सामर्थ चाहिए इस निशान की ओर बढ़ने के लिए। सबसे पहले आपको खोजने के लिए, सबसे पहले आपके पास आने के लिए, हर रोज दुआ करने के लिए, बाइबल पढ़ने के लिए, आज्ञाकारिता में जीने के लिए, आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, जो भी छोड़ना पड़े वो छोड़ने के लिए, पवित्रता में जीवन जीने के लिए प्रभु नया सामर्थ, नया बल, नया अनुग्रह दीजिए 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 दीजिए।
छुए पवित्र आत्मा आपको नए सामर्थ से परे, नए सामर्थ से परे पवित्र आत्मा दे दे अभिषेक जो बढ़ता ही जाए, जिससे शैतान के हर किले को हम डाए, दे दे अभिषेक जो बढ़ता ही जाए, जिससे शैतान के हर किले को हम डाए, मेरे खुदा सुन ले दुआ, दे दे मुझे रूह का मसा, मेरे खुदा सुन ले दुआ, दे दे मुझे रूह का मसा, अभी से दे दे, अभी से मांगे 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 प्यार रो सके, नया अभी से नया सामर्थ नया बल निशान की ओर बढ़ने के लिए, तेरे पीछे चलने के लिए, तेरी इच्छा को पूरी करने के लिए मुझे नया बल नई सामर्थ नई ताकत चाहिए, नया बल नई सामर्थ नया ताकत नया भैसे नया भैसे नया सामर्थ मांगे 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 प्रभु से कहे, प्रभु मुझे निशान से आगे पीछे नहीं होना है, मैं कहीं आगे पीछे नहीं होगा, मैं दुनिया में संसार में नहीं जाऊंगा, मुझे सामर्थ दे मुझे बल दे मुझे बल दे मुझे सामर्थ दे, ओ रिपे न मारा लबा रे खोरियो रिपे न मारा लबा, दे दे अभिषेक जो बढ़ता ही जाए, जिससे शैतान के घर हर किला शैतान का घर, वो बातें जो मुझे प्रभु से दूर ले जाते हैं आज वो उठाई जाए, कोई बात मुझे मुझे निशान से पीछे न खींचे, वो हर बातें आज टूट जाए उठाई जाए, गए 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 प्रभु से, मुझे प्रभु तेरी ओर आने से कोई न रोके, तेरे पीछे चलने से कोई न रोक पाए, कोई शैतानी ताकत मुझे रोके नहीं, कोई पाप में मुझे न गिराए, गए 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 प्रभु से मांगे 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 मांगे, शैतान के हर किले को हम जाए, मेरे खुदा सुन ले दुआ, दे दे मुझे रोका, कितने लोग सामर्थ पाना चाहते हो हाथों को उठा कर मांगे, मेरे खुदा सुन ले दुआ, दे दे मुझे रोका मसा, अभी से दे दे अभी से, अरे प्रभु से प्रभु मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं निशान की ओर दौड़ूंगा, मैं निशान की ओर दौड़ूंगा, मैं निशान की ओर दौड़ूंगा, ओ पवित्र आत्मा की सावर आपको छुए 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 छुए, ओ छुए पवित्र आत्मा को छुए, नई सामर्थ को पाए नए बल को पाए, वो निशान की ओर दौड़ने के लिए निशान के पीछे दौड़ने के लिए, पाए 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 सामर्थ को पाए, पाए सामर्थ को पाए, सामर्थ को पाए, सामर्थ को फायर 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 फायर, पवित्र आत्मा की आग उठे उतरे उठे, शैतान के खड़ों को ठाए जाए, शैतान के किले को आपके जीवन से तोड़े जाए, जो निशान की ओर आगे बढ़ने से आपको रोकते हैं वो शैतान के किले तोड़े जाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य के नाम में, ओ आत्मा छुले आत्मा 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 छुले, मांगे 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 मांगे, बरे 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 पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से बरे बरे मांगे मांगे, जो बढ़ता दे दे अभिषेक जो बढ़ता है जाए, के हर किले को हम ढाए, दे दे अभिषेक जो बढ़ता ही जाए, चेयर्स उठा लीजिए प्यारो, पवित्र आत्मा को छू पाए अब फ्री हो जाए,
प्रभु से मांगिए यहोवा मत देखिए इस समय प्रभु अपनी सामर्थ उंडेल रहा है, प्रभु की सामर्थ उंडेली जा रही है प्यारो, प्रभु अपनी सामर्थ को उंडेल रहा है, रिसीव करे रिसीव करे, चेयर सटा लीजिए ताकि आप फ्रीली प्रभु की उपस्थिति में खड़े रह पाए, उससे पाए जो आपको देना चाहता है। मेरे खुदा सुन ले दुआ, दे दे मुझे रूह का मसा, अभी से दे। इतने लोगों को जरूरत है सामर्थ की, निशान की ओर बढ़ने के लिए। आपको मांगना है प्यारो, आप मांगोगे तो पाओगे। थोड़े समय में हम आपके लिए दुआ करना चाहते हैं प्यारो, बहुत लंबी चौड़ी दुआ नहीं होगी, जस्ट प्रभु जैसे अगुवाई देगा हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन वो आपको सामर्थ देगा निशान की ओर दौड़ने के लिए। हर पास्टर हम यहाँ पर स्टेज पर आ जाएंगे और हम आपके लिए मांगना चाहते हैं प्रभु, आज वो सामर्थ कुंडे ले आपके ऊपर जो आपको निशान की ओर बढ़ने के लिए अनुग्रह दे। बस अब स्टेडी हो जाओ, खड़े रह जाओ प्रभु की प्रेजेंस में, डिस्टर्ब मत होने दो अपने आप को, उससे जुड़े रहो प्यारो, रिसीव करो रिसीव करो। जो नए लोग आए हम आपके लिए दुआ करने जा रहे हैं थोड़ी देर में, तब तक हम जैसे गाइड करते आप मांगते जाओ मांगते जाओ, कहो कहो प्रभु से, प्रभु आप अपनी सामर्थ को उंडेलो मुझ पर, आप अपनी सामर्थ को मुझ पर उंडेलो। दे दे अभिषेक जो बढ़ता ही जाए, जिससे शैतान के खिले को हम ढाए। मांगे मांगे हाथों को उठाकर मांगे, प्रभु से कहे प्रभु तेरी सामर्थ निशान की ओर बढ़ने के लिए, तेरी इच्छाओं को पूरी करने के लिए नई सामर्थ नया बल नया अनुग्रह मुझे दो। यहाँ वहाँ मत देखे प्यारो, अब खाली हाथ रहोगे अगर यहाँ वहाँ देखा आपने, उसकी ओर देखे जो आपको सामर्थ दे सकता है, जो आपको सामर्थ दे सकता है वो पवित्र आत्मा है, उसकी ओर देखे उसकी ओर देखे उसकी ओर देखे। शैतान के अड़खिले को हम ढाए, दे दे खुदा सुन ले दुआ, दे दे मुझे रूह का मसा, मांगे मांगे प्यारों। दे दे अभिषेक जो बढ़ता ही जाए, जिससे शैतान के हर किले को हम जाए, दे दे अभिषेक जो बढ़ता ही जाए, जिससे शैतान के हर किले को हम जाए। मेरे खुदा सुन ले दुआ, दे दे मुझे रूह का मसा, निशान की ओर बढ़ने अभिषेक।
हमर नया अभिषेक नया अनुग्रह यीशु मसीह के नाम में समुद्र बीचो रखे बीच मेरे लड़की कलाम वाली दे दी हाथ मेरे हाय समुद्र जो रखे बीच मेरे लड़की कलाम वाली दे दी हाथ मेरे ताकि समुद्र को भी ले दू मैं हटा ताकि समुद्र को भी ले दू मैं हटा मेरे खुदा सुनते लोग सामर्थ को पाना चाहते हैं आप खाली हाथ आज नहीं जाओगे थोड़ी ही मिनटों के लिए हम दुआ में जा रहे हैं लेकिन जिनको नई सामर्थ को पाना है बल को पाना है इस निशान की ओर आगे बढ़ने के लिए यहाँ पर आगे आगे खड़े रह जाए लाइन में प्रभु के दास आपके ऊपर जस्ट हाथ रखकर दुआ करेंगे
और बाद में आपको पीछे जाकर खड़े रहना है, नए लोगों को मौका देना है। फटाफट यहाँ लाइन में, एक लाइन में आकर खड़े रह जाए, लाइन बना दीजिए, एक के बाद एक लाइन, जल्दी जल्दी जल्दी। दुआ में रहे, दुआ में रहे प्यारो, आप दुआ में रहिए और मांगिए, प्रभु मुझे नई सामर्थ्य दे, नया बल दे, निशान की ओर बढ़ने के लिए, आपकी इच्छाओं को पूरी करने के लिए, आपकी इच्छा के अनुसार जीने के लिए। जल्दी जल्दी, वेट मत करिए प्यारो, यहाँ आ जाए, खड़े रह जाए या लाइन में, जल्दी जल्दी जल्दी, वेट मत करे, जल्दी आगे आइए, फटाफट लाइन में, यहाँ पर लाइन में खड़े रह जाए। आप सुन रहे हो प्यारो मेरी आवाज को, गुजराती में बोलू या हिंदी में बोलू, यहाँ लाइन में खड़े रह जाए, यहाँ पर लाइन में खड़े रह जाए, यहाँ पर लाइन में खड़े रह जाए। जल्दी वेट मत करवाइए, वेट मत करवाइए, जल्दी जल्दी लाइन में खड़े रह जाए, जल्दी जल्दी जल्दी। प्रभु के दास बारी बारी से आपके ऊपर हाथ रखकर आपके लिए दुआ करेंगे। डिस्टेंस रखिए, एक के पीछे थोड़ा डिस्टेंस पर, एक लाइन के पीछे दूसरी लाइन हो वहां डिस्टेंस रखिए, आप यहाँ खड़े रहिए, पीछे डिस्टेंस रखिए। एक के बाद एक लाइन करिए, एक के बाद एक लाइन, बहुत टाइम मत, दोरी मत बांधे, कुछ जरूरत नहीं है, जो कहूं वो ही फॉलो करिए, और कुछ मत करिए, लाइन में खड़े रहिए, एक के पीछे एक लाइन, दूसरा कुछ मत करिए। दुआ में रहे प्यारो, कहिए प्रभु से नया सामर्थ, नया बल, नया अभिषेक। ये रो में नहीं खड़े हो आप, एक लाइन में नहीं खड़े हो आप, लाइन में खड़े रहे, एक के बाद एक लाइन, एक के बाद एक लाइन, बीच में हम आ सके ऐसी जगह रखिए, एक के बाद एक लाइन, एक के बाद एक लाइन, फटाफट अपने आप कर दीजिए, किसी की मदद की आपको जरूरत नहीं है प्यारो। जस्ट हम हाथ रखेंगे एक दो मिनट के लिए, दुआ करेंगे और आपको अपने स्थान पर खड़े पीछे जाकर खड़े रह जाना है। जस्ट हमें दो दो मिनट आपके लिए दुआ करनी है बस। हाथों को उठा और मांगे प्रभु नया अभिषेक, निशान की ओर बढ़ने के लिए, तेरी इच्छा को पूरी करने के लिए। पवित्र आत्मा की सामर्थ मुझ पर उतर आए, आपका बल मुझ पर उतर आए। मांगे 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 मांगे, भूख बताए, प्यास बताए प्यारो। एक के बाद एक लाइन होनी चाहिए, बीच में डिस्टेंस, दो लाइन के पीछे, साथ साथ में नहीं खड़े होने चाहिए सब। एक के बाद एक लाइन, दो लाइन के पीछे डिस्टेंस होना चाहिए, दूर, एक एक दूसरे से दूर, कोई एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। मांगे मांगे प्यारो, मांगे मांगे, दे दे अभिषेक जो बढ़ता ही जाए। प्रभु से कहे निशान की ओर बढ़ने के लिए, आपकी इच्छाओं को पूरी करने के लिए, आपके पीछे